दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान के निकट चौरंगी पर शनिवार को एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो आपको भावुक भी कर देगी और समाज के लिए कुछ करने को प्रेरित भी करेगी। दरअसल यहाँ मौजूद छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये सब बाल मजदूर हुआ करते थे। सभी की उम्र 14 वर्ष से कम है। सबके सब दरभंगा जिले के अलग अलग प्रखंड के रहने वाले हैं, जो कि जयपुर में जड़ी के कारखाने में काम करते थे, जहां की स्थानीय प्रशासन ने इन्हें मुक्त कराते हुए उन्हें अपने अपने घर भेज दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो जाती है, दरअसल यहां से तो कहानी बदलती है। आज इनका मुफ्त उन्मूलन किया जा रहा है। निर्देशक नामक संस्था ऐसे बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए काम करती है, जैसे उनके शिक्षा का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार आदि तरह की सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ इन बच्चों को तक पहुंचाकर इन उज्जवल भविष्य की दशा और दिशा देने में काम करती है। क्या नाम है बुआ? मोहम्मद हुसैन। कहाँ गए थे तुम? जयपुर। जयपुर क्या काम के लिए? चूड़ी लेने। कौन ले गया था? क्या कोई कुछ नाम याद है क्या? तुम्हारा क्या नाम है? बीरबल कुमार। बीरबल कुमार है। कौन ले गया था? महबूब। तुम भी जयपुर गए थे क्या? हाँ, तभी जयपुर के। दरअसल जयपुर से बाल श्रम से भी बच्चे हैं, इनसे बात करें। सर क्या सर मामला था? सर ये जयपुर से बाल श्रम से विमुक्त बच्चे हैं और वहाँ के श्रम डिपार्टमेंट और धावा दल के द्वारा इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया फैक्ट्री से। ये सारे बच्चे जड़ी फैक्ट्री में काम करते थे। 14 बरस से कम उम्र के बच्चे हैं, सभी बाल मजदूरी के शिकार बच्चे हैं। वहाँ से विमुक्त होकर जब गृह राज्य में भेजा गया तो फिर पटना हेडक्वार्टर से इन लोगों को संबंधित जिले में भेजा गया। तो ये इनका रिस्टोरेशन हुआ बाल कल्याण समिति के आर्डर से। फिर इनके पुनर्वास पर हम लोग काम करते हैं, जिसके तहत हम डिफरेंट जो सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, उस स्कीम से इनका लिंकेज कराते हैं। इनके राइट टू एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए विद्यालय में हम नामांकन कराते हैं। फिर श्रम डिपार्टमेंट से इनके कंपनसेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये ग्रुप फॉर्मेशन का जो पर्पस है कि ये बच्चे अपने हक के लिए, जो राइट्स हैं इनके, और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का मामला है, बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल व्यापार, इस मामले पर ये अवेयर हों और अपनी एडवोकेसी डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट लेवल पर कर सके। तो अभी तो इनिशियल स्टेज में इनका फॉर्मेशन हो रहा है, इनकी हम ट्रेनिंग करेंगे, इनको ओरिएंट करेंगे और इनकी बैठक में जो भी मुद्दे आएंगे, जो प्रस्ताव पारित होगा, इन बच्चों के साथ हम जिला पदाधिकारी से मिलेंगे, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलेंगे, एजुकेशन से जुड़ा मामला होगा तो एजुकेशन के अधिकारी से मिलेंगे, स्वास्थ्य से जुड़ा मामला होगा स्वास्थ्य अधिकारी से। यही पर्पस है सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम उदय शंकर शर्मा हुआ, निर्देश संस्था से हैं हम, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बाल मजदूर के श्रम से जयपुर से लाया गया है और गवर्नमेंट के द्वारा इस पे इसके थ्रू एक्शन लिया गया है। और सर सर कार्रवाई करेंगे आप थोड़ा सा, क्या सर मामला है जी? क्या मामला है इन बच्चों को? बच्चों का मामला है कि ये सारे बच्चे डिफरेंट ब्लॉक से है, जो अभी नहीं आए हैं, बहुत पहले, ये बहुत पहले से ये बच्चे कहीं ना कहीं जयपुर में किसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे और ये बच्चे को वहाँ की जो पुलिस है या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद में दरभंगा के ये सब सारे बच्चे हैं, कोई केवटी के हैं, कोई हायागढ़ के, कोई गौरा बौराम के, ये बच्चे यहाँ पे आए हैं और हम लोग भी बच्चों के ऊपर में काम करते हैं। एक निर्देश संस्था है जो मुजफ्फरपुर की संस्था है, हम लोग बच्चों को जो बाल मजदूरी करते हुए बच्चे आते हैं, हम लोग 5 जिला में काम कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं, वैशाली में कर रहे हैं, दरभंगा में, मधुबनी में, पूर्वी चंपारण में। तो अलग अलग जो बच्चे आए हैं, तो आज जो दरभंगा के अलग अलग ब्लॉक के जो बच्चे आए हैं, जो हमारे पास लिस्ट है, उनको एक दिन को ओरिएंटेशन कर रहे हैं और इनका हम लोग ये बता रहे हैं कि इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये अपने अधिकार को थोड़ा सा और ज़्यादा ये करें, तो इनका एक यहाँ पे
ये सर्वाइवर ग्रुप, चूंकि ये सर्वाइव किए हुए, इनको बहुत प्रताड़ित किया गया होगा, तो ये सारे सब कुछ एक बच्चे को जो अधिकार है इसका हनन हुआ होगा, तो हमसे बेहतर ये जान रहे हैं कि बाल मजदूरी क्यों, क्या क्या कष्ट इनके साथ हुआ होगा। तो ये अपने जब गांव में जाएंगे तो दूसरे बच्चे जब जयपुर या कहीं और जगह पर जाने के लिए तैयार होंगे तो ये ग्रुप उन बच्चों को रोकने का काम करेगा, और साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिल करके अगर मान लीजिए कि इनको स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा तो ये ग्रुप जो है वो टीचर से मिलेगा, प्रिंसिपल से मिलेगा, बीओ से मिलेगा, और अगर वो भी नहीं सुनते तो हायर ऑथोरिटी को अपनी बात रखेगा। तो ये ग्रुप का एक फॉर्मेशन आज होगा, यहाँ पे हम लोग ओरिएंट कर रहे हैं इनको कि आपका एक ग्रुप होगा जिसको हम लोग किसी एक नाम से जानेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग ग्रुप का इन लोगों ने नाम सजेस्ट किया है, अभी एक ग्रुप फाइनल होगा। सर कौन सा ग्रुप? अभी फाइनल नहीं हुआ, हमको लग रहा हमारी जीत का नंबर ज़्यादा आया है, तो वो उस दरभंगा के जो सर्व ये जो जयपुर के जो रेस्क्यू किए हुए बच्चे हैं हो सकता है इनको हम लोग हमारी जीत बाल सहायता समूह के नाम से जानेंगे, कि जब भी हम लोग बातचीत करेंगे या इनके साथ में कोई अगर हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करना, मान लें कि कुछ इन लोग को एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेटें खिलाना, जॉयफुल ताकि इनको लगे कि हाँ भाई अब हम जयपुर नहीं जा रहे हैं, यहीं पे हम ठीक ठाक हैं, तो हो सकता है क्रिकेट का मैच करवाएंगे, कुछ इन लोग को हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, तो इन लोग को हम लोग नाम जब जानेंगे तो वो हमारी जीत नाम से ही जानेंगे। और ये बच्चे लोग को भी लगेगा कि चलिए हम जो हमने मुसीबत झेला था जयपुर में, अब दोबारा हम नहीं जाएंगे, और मेरे जैसे और बच्चे अगर जाने के लिए जयपुर या किसी और जगह पे हो रहे हैं तो ये बच्चे लोग जो हैं ये सीधे सीधे उन बच्चों को भी रोकेंगे, मना करेंगे, तो ये प्रेशर ग्रुप का भी काम करेंगे अपने सोसाइटी में। तो माता पिता भी था क्या? यस सर। क्या क्या काम करवाता था? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा। और खाना देता था क्या टाइम पे? नहीं सर, नहीं देता था। और मारता भी था? यस सर। तो तुम आगे जो कोई जाने वाला हो उसको मना करोगे क्या? यस सर।